हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। यह अपन सोडा टेक सॉल्यूशन। ओके, अब हम नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल देखते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे क्रिएट एप्लीकेशन एंड डेमोस्ट्रेट द फॉलोइंग ऑपरेशन। 20 ऑपरेशन के अंदर हमने फिफोन की सीरीज लास्ट इसमें हो गया है, उसका वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। देन नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं टेस्ट फॉर प्राइम नंबर। ओके, सो बेसिकली कि प्राइम नंबर होता क्या है, सिंपल उसका डेफिनेशन में यहाँ पे वन लाइन में बता देता हूँ। प्राइम नंबर इज डिफाइंड एज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन एंड इज डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ। ओके, ऐसा एक नंबर है हमारा कि जो वन से बड़ा है, एक से बड़ा है वो चीज, लेकिन और एक कंडीशन है कि स्पेसिफिक वो नंबर है वो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो सकता है। ऐसे कोई भी जो भी नंबर है हमारे पास, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम प्राइम नंबर का सीक्वेंस बता सकते हैं कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, देन 17, देन 19 एंड 23 एंड गोज ऑन। कि ऐसे डिफरेंट नंबर्स है कि जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, कि ये सब क्या हो गया, हमारे प्राइम नंबर है। अभी हमारे इस सिनारियो, इस टेस्ट फॉर प्राइम नंबर में हम क्या करेंगे, यूजर से एक नंबर इनपुट करके लेंगे और चेक करेंगे वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। यूजर क्या करेगा, नंबर इंसर्ट करेगा, टेस्ट बटन के ऊपर क्लिक करेगा, देन उसको एक मैसेज हम शो करेंगे कि नंबर इज प्राइम और नंबर इज नॉट प्राइम। सिंपल इतना ही हमें परफॉर्म करना है। तो उसके लिए जाते हैं अगेन विजुअल स्टूडियो के अंदर और हमारे प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एड एड न्यू आइटम। न्यू आइटम के अंदर यहाँ पे हम वेब फॉर्म सिलेक्ट करेंगे। वेब फॉर्म के अंदर यहाँ पे नाम देंगे जैसे कि प्राइम नंबर, कि जो हमें पहले टेस्ट प्राइम नंबर। ओके, तो इसे हमने ऐड कर दिया, ऐड हो गया। ओके, सिंपल। अभी यहाँ पे हम टूल बॉक्स के अंदर यहाँ पे लेबल लेंगे, लेबल के अंदर मैसेज देंगे इंटर एनी नंबर। यूजर कोई भी नंबर इंटर करे तो उसके अकॉर्डिंगली हमें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो नंबर लेना है, तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स, तो TXT नंबर टेक्स्ट बॉक्स के लिए। देन एक बटन लेंगे कि जिसके थ्रू हम चेक करेंगे सो टेस्ट प्राइम। ओके, नंबर प्राइम है कि नहीं वो चेक करेंगे। अभी चेक करने के लिए ऑन क्लिक इवेंट, जिसके थ्रू हम जो हमारा बैकग्राउंड में CS फाइल के अंदर कोड लिखेंगे एग्जीक्यूट होगा। एंड नेक्स्ट हमारा BR टैग। ओके, एक न्यू लाइन के लिए एंड अगेन यहाँ पे एक लेबल देंगे, जिसके अंदर जो भी आपका मैसेज होगा आउटपुट का, या आउटपुट मैसेज बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे लेबल के अंदर डिस्प्ले करेंगे। सिंपल, इतना आपका UI का पार्ट कंप्लीट हो गया। एक लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन एंड सबमिट करने के बाद ये जो मैसेज है यहाँ पे, जो भी इज प्राइम नंबर और नॉट, ऐसे एक मैसेज यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देंगे। देन नेक्स्ट जाते हैं हमारे कोड के अंदर। अभी कोड के अंदर हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट ले रहे उसको एक नंबर के अंदर स्टोर करेंगे इंट एन। ओके, इज इक्वल टू जो टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू आएगा, टेक्स्ट बॉक्स वन टेक्स्ट नंबर। ओके, टेक्स टेक्स का टेक्स आएगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तो हम इंट के अंदर उसको स्टोर करें ना, तो कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसको हमने सेव कर दिया। ओके, अभी थोड़ा सा लॉजिक अलग लिखते हैं इस टाइम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ इज प्राइम, इज प्राइम करके हम क्या करेंगे, एक मेथड क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमें नंबर पास करेंगे। इफ इसका आउटपुट हमें ट्रू आता है तो हम क्या करेंगे, LBL मैसेज के अंदर मैसेज डिस्प्ले करेंगे द नंबर इज प्राइम। ओके डॉट टेक्स्ट। ओके, या एल्स कि मेरा ये कंडीशन फॉल्स हो गया, उस सिनारे में मैं मैसेज दूंगा LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नंबर इज नॉट प्राइम। ओके, सिंपल, इतना समझ में आया। अभी ए मेथड के अंदर क्या लिखना है वो चीज हम देखते हैं। फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे मेथड क्रिएट कर सकते हो, कंट्रोल डॉट से
जनरेट अ मेथड, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा मेथड प्राइवेट बुलियन, इस प्राइम चेक करेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो फर्स्ट हम एक केस इसके अंदर करते हैं जिसको बोलते हैं कॉर्नर केस। ओके, सो फर्स्ट हमें पता है कि जो हमारी प्राइम नंबर की सीरीज है वो ग्रेटर देन वन से स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो हम फर्स्ट कंडीशन के इफ जो यूजर ने एन वैल्यू इंटर की है वो शुड बी ग्रेटर देन वन चाहिए। ओके, सो इफ एन इज लेस देन इक्वल टू वन होगा। ओके, तो ये क्या होगा, आपका प्राइम नंबर नहीं होगा तो रिटर्न फॉल्स। ओके, सिंपल, इफ यूजर ने एन के अंदर वन या वन से नीचे कोई वैल्यू सेम किया हमें सो क्या होगा, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। सो वो क्या करेंगे उस केस में, हम इसको फॉल्स पास करेंगे। और एक अभी हम क्या करेंगे, एक केस लेंगे जिसके अंदर तो अगेन नीचे आएगा और एक इसको हम रिकर्सिव फंक्शन के अंदर देखेंगे इज प्राइम, अगेन वो मेथड हम लेके एंड इसके अंदर अगेन एन की वैल्यू पास करेंगे। रिकर्सिव फंक्शन किस तरह से होता है कि सेम एग्जीक्यूट होता रहेगा बट अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे ट्रू फॉल्स चेंज कर रहे हैं, या कब तक एग्जीक्यूट करना है वो देखेंगे। जहाँ पे आपका रिटर्न होगा तब आपका वैल्यू खत्म हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे चेक करने के लिए कि अभी एन की वैल्यू किसी स्पेसिफिक नंबर के साथ हमें चेक करने क्रॉस चेक करनी। ओके, उस सिनारियो में हम क्या करेंगे एक स्टैटिक वेरिएबल्स इसके अंदर क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे स्टैटिक इंट आई इज इक्वल टू टू, वैल्यू के साथ हमें कंपेयर करना है और वो अलग दूसरे किधर भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे इसको भी क्या करेंगे स्टैटिक बुलियन प्राइम ऐसे करेंगे। ओके, अभी फर्स्ट सिनारियो कि वन से बड़ा होगा कोई भी नंबर तो या और डिविजिबल बाय इटसेल्फ होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं वो नंबर आपका प्राइम नंबर है। ओके, तो टू प्राइम नंबर है। ओके, इन केस यहाँ पे इफ एन इज इक्वल टू आई इटसेल्फ से उसको डिवाइड हो रहा है। ओके, तो उस सिनारियो में क्या करेंगे रिटर्न ट्रू करेंगे। और एक सिनारियो इसके अंदर इसको हम बोलेंगे चेकिंग प्राइम। नेक्स्ट इसके अंदर केस होगा दैट इज द बेस्ट केस, के अंदर हम चेक करेंगे बेस केस के अंदर इफ एन मोड आई। ओके, एन ने हम मोड आई इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है उस केस के अंदर कि वो डिविजिबल हो रहा है स्पेसिफिक नंबर से तो रिटर्न फॉल्स करेंगे। इफ फॉल्स नहीं हो रहा तो अगेन आई प्लस प्लस वो चेक करता रहेगा। ये सिंपल, ये अपना प्राइम नंबर का लॉजिक यहाँ तक आने वाला है। यहाँ पे सिंपल लॉजिक है प्राइम नंबर का, यहाँ पे हम चेक करेंगे इच प्राइम के अंदर स्पेसिफिक एन हम वैल्यू भेजे, इफ वो ट्रू करेगा तो नंबर इज प्राइम एल्स नंबर इज नॉट प्राइम, इसे हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे एन की जो भी वैल्यू आएगी वो फर्स्ट चेक करेगा कि लेस देन जीरो सॉरी लेस देन इक्वल टू वन है तो उस सिनारियो में हम पास करेंगे फॉल्स क्योंकि वन और उसके नीचे कोई भी वैल्यू होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। सेकेंड, यहाँ पे कि आई इज इक्वल टू टू वैल्यू है। ओके, तो उस सिनारियो में वो क्या करेगा चेक कि टू है तो इसके लिए ट्रू आएगा, तो ट्रू आने के बाद ऊपर से एग्जीक्यूट हो जाएगा, नीचे तक नहीं आएगा। ओके, देन फॉर एग्जाम्पल दूसरा कोई तो एक बड़ा नंबर लेते हैं जस्ट लाइक कि सिक्स लेते हैं। ओके, सिक्स और आई सेम नहीं है तो फॉल्स आएगा, नीचे एग्जीक्यूट करेगा। जब तक ये मैच नहीं होता तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। ओके, सो एक स्पेसिफिक वैल्यू लेके एक डिबगर थ्रू हम प्रॉपरली समझ के लेते हैं ये किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। ओके, सो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, यहाँ पे हम देंगे प्राइम नंबर को सेट एज अ स्टार्ट पेज एंड इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो प्राइम नंबर है क्या नहीं दोनों सिनारियो में चेक करते हैं। ओके, लोड हो रहा है एक सेकेंड। तो यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं 15 के लूप थोड़ा सा एग्जीक्यूट होना चाहिए इसके लिए एंड टेस्ट प्राइम। ओके, तो फर्स्ट एन के अंदर वैल्यू आई 15, यहाँ पे एग्जीक्यूट करते एफ 10 एन इज ग्रेटर देन जीरो तो फॉल्स आ गया, नॉट इक्वल टू देन अगेन आई से डिवाइड नहीं होता। ओके, या क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आई की 2 है अगेन नीचे आया फिर से लूप में चला गया, सेम कंडीशन चेक करेगा
यहाँ पे 3a, 3 डिवाइडेड बाय 15, तो यहाँ पे फॉल्स होगा एंड आपका नंबर प्राइम नहीं है और मैसेज यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे। ओके अगेन अभी यहाँ पे हम देंगे प्राइम नंबर जैसे कि 13, टेस्ट प्राइम यहाँ पे आया 13। ओके यहाँ पे 13 आया, कंडीशन चेक किए हमने, आई की वैल्यू 4 हो गई, कंडीशन ट्रू हो रही, आई की वैल्यू 5 हो गई, तो अभी 6, 7, 8 ऐसे इंक्रीमेंट होता जाएगा, 13 तक का क्या होगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। ओके एग्जीक्यूट के बाद हमें पता जाएगा नंबर इज प्राइम। ओके तो इस तरह से ये एग्जीक्यूट होता रहेगा प्रॉपर वे में। तो प्राइम नंबर का इतना सा ही लॉजिक है, आपको याद रहेगा सिंपल, सिर्फ वो किस तरह से एग्जीक्यूट होता है वो चीज ध्यान में रखो, तो सिंपली आप वो चीज परफॉर्म कर सकते हो। कि उसका लॉजिक याद रखो, कोड को मत याद रखो। कि कभी भी कोड याद नहीं रखना हमें, हमें लॉजिक याद रखना है। सो ऑटोमेटिकली हम कोई भी वे में कोड कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम मिलके इसको रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।